हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज़ ऑन थ्योरी एंड कंसेप्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो इंटीग्रेशन की एक बहुत बढ़िया हम एक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। इंटीग्रेशन शॉर्ट ट्रिक हेडिंग बना लीजिए सब लोग, एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। ये क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखिए किस तरीके की शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास फॉर्मेट, सबसे पहले नोट कर लो कि अगर ये फॉर्मेट जो आएगा, इस तरीके का फॉर्मेट अगर लगेगा तो ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। फॉर्मेट है 0 से लेकर के पाई बाई टू, 10 की पावर n x है और प्लस 10 की पावर n माइनस 2 x है, मतलब एंगल में पावर में n माइनस 2 कर दिया है, x dx है। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ओके, तो इसका आँख मूंद करके आंसर जो होगा, ये नोट करिए, ये होगा 1/(n-1)। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है ये, ओके, 1/(n-1)। यस बच्चों, ये है आंसर इसका, 1/(n-1)। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं इसका क्वेश्चन हम लोग। जैसे मान लीजिए, आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 से लेकर के पाई बाई टू, लिमिट का ध्यान रखिएगा, लिमिट चलेगी 0 से लेकर पाई बाई टू। 10 की पावर 8x प्लस 10 की पावर 6x है, ओके। तो देखिए ये क्या हो गया, n कितना हो गया अपने पास, 8 हो गया, और n माइनस 2 कितना हो गया अपने पास में, 6 हो गया। और अगर आप उसका dx निकालना है ना, तो क्या रूल बताया मैंने, 1 बड़ी पावर कितनी है, 8 है, 1/(n-1) था ना, सो 1/ बड़ी पावर है 8 और छोटे, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1/7। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 0 to π/2, ओके, 0 to π/2 dx, 10 की पावर 8x प्लस 10 की पावर 10x, ये देखो जी, तो ये 8 पावर है और ये 10 पावर है। बट आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको चौंकाने की कोशिश करी है, क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया है, बड़ी पावर जो होती है वो है 10 और छोटी पावर जो है n माइनस 2 जो है 8 है, ओके। तो जो फॉर्मेट मैंने दिया था उसमें बड़ी पावर आ गई थी, तो ये आपका काम है, इसको एडजस्ट कर लो, 0 to π/2, पहले कितना आ जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 10x और फिर प्लस लगा करके 10 की पावर 8x। अब इसका जो आंसर बनेगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/(n-1), तो 1/(10-1) दिस इक्वल टू 1/9। तो इंटीग्रेशन की एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक, ओके, 1/9। चलिए नोट कर लीजिए इसको।